तैयारी चल रही थी, मैं बताई देती हूँ फाइनली आपको, ज्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ। हम थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी ये नहीं फाइनल हुआ है, अभी तक टाइम आ गया है कि यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, घर में या बाहर। कुछ लोग बोल रहे हैं बाहर कर लेते हैं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में, कई बोल रहे हैं घर में कर लेते हैं, तो अभी से थोड़ा सा पजल है, बट जो भी होगा आज तक, आज शाम तक मतलब फाइनल हो जाएगा। सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 6:30, और मैंने सारी बेडशीट्स हैं वो निकाल दी है क्योंकि मेरे को धोनी है, और पिल्लो कवर्स वगैरह भी। तो जैसे ही मैंने मशीन में पानी डाला ना, सुबह सुबह लाइट चली गई है, जैसे ही लाइट आती है सारी बेडशीट्स वगैरह सब धोने हैं आज, और क्यों धोने हैं ये आपको वीडियो के बाद में पता चलेगा। और हम कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो आपको आगे जब पूरी वीडियो देखोगे ना तब पता चलेगा। तो भी फाइनली उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि जब कुछ भी हम सेलिब्रेट करते हैं तो मेरे तो दिमाग में सबसे पहले आते हैं क्लीनिंग, तो वही हम करेंगे। अभी मैं पहले बच्चों को भेजती हूँ स्कूल, तो मैंने बनाई है यहाँ पे प्याज और चावल होते हैं ना उसकी सब्जी, बहुत दिनों बाद मेरी मम्मी बनाती थी और बहुत टेस्टी लगती है गर्मियों में सब्जी। अभी मैं बना रही हूँ परांठे, बच्चों को छोड़ के आते हैं फिर मिलते हैं। ये देखो मैंने कटिंग कराई थी ना, छुट्टी में से बाल निकल आते हैं भाई एक साइड के, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। किसी चीज़ की तैयारी चल रही है भाई, किसकी चल रही है वो बताऊंगी थोड़ी देर बाद। और इस महीने में ना, जो मई का महीना है, इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे ओकेजन है हमारे घर में जो एक के बाद एक सेलिब्रेट होंगे और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पूरा ही महीना बहुत बिजी निकलने वाला है कि सुबह से ब्लॉग की शुरुआत की है, तो आज ऐसा कुछ खास है नहीं, बट फिर भी जितना खर्च करते हैं उतना दिखा, जितना करते हैं उतना दिखा देते हैं। तो अभी मैं किसी चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, किस चीज़ की वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चे मैंने भेज दिए हैं स्कूल में खाना बना के, डस्टिंग मेरी हो चुकी है, झाड़ू भी मैंने लगा ली, मशीन में डाल रखे हैं कपड़े, सारी बेडशीट वगैरह सब कुछ धोना है आज मेरे को, टॉवल्स बेडशीट्स बहुत सारे कपड़े। तो सुबह से लाइट नहीं आ रही थी बट अभी लाइट आ गई है, पहले पानी की टंकी भरी उसके बाद फिर मैंने मशीन शुरू कर दी है। ठीक है, मशीन चला दी है, कपड़े धुल रहे हैं, अभी चलते हैं किचन में। पहले मेरे को किचन की क्लीनिंग करनी है क्योंकि टाइल्स बहुत दिन हो गए धोए हुए और बहुत मैसी सी हो रही है, क्योंकि आजकल थोड़ी धूल मिट्टी उड़ती रहती है इस वजह से थोड़ी किचन गंदी हो गई है, तो मेरे को पहले उसको जरूर साफ करना है, क्योंकि खाने पीने का जितना भी सामान है हमारा किचन में ही बनता है, अगर किचन क्लीन नहीं होती तो फिर कोई फायदा नहीं। तो मैं किचन की क्लीनिंग करूंगी, बाकी बेडशीट वगैरह मैंने सारी डाल दी है तो चेंज करनी है। तो यहाँ पे भाई बेडशीट धुलने लग रही है और नई वाली मैंने बिछाई नहीं है, और मैंने यहाँ पे ना गद्दे के ऊपर इस तरह की गुजड़ी डाली हुई ताकि कुछ गिर जाए तो गद्दे खराब ना हो। मैंने सबसे पहले बर्तन क्लीन करूंगी जो कि मेरे रखे हुए हैं, मैंने काउंटर है पूरा खाली कर दिया है, और टाइल्स वगैरह साफ करेंगे। तो करते हैं भाई शुरू अपना काम, लग जाते हैं काम पे। ठीक, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बर्तन थे उनको क्लीन कर लूंगी, और कुछ सब्जियां ली थी मैंने यहाँ पे, वैसे तो रखी हुई थी बट विनीत को भिंडी ज्यादा पसंद है तो मैंने इसके लिए भिंडी ले ली है, और सैलेड के लिए टमाटर ले लिए हैं बिल्कुल फ्रेश थे तो वो ले लिए हैं, बाकी सब्जी रखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई मैंने अपने बर्तन क्लीन कर लिए हैं, उसके बाद मैंने अपने जो फ्रिज है उसको साइड में कर लिया, क्योंकि मेरे को इस फ्रिज के पीछे जो टाइल्स है ना उनको भी धोना है, वो ज़्यादा गंदी हो रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने फ्रिज को इधर सरका के भाई साफ़ कर ली है टाइल सारी। तो पहले मैंने इसको सर्फ से साफ़ किया है, विम जेल था उससे साफ़ कर लिया है पहले, उसके बाद फिर मैंने इसको धो लिया, फिर गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से। तो इस तरह से मैंने अपने टाइल की क्लीनिंग की है, और यहाँ जो फ्रिज रखा था ना इसके पीछे से टाइल्स काफ़ी गंदी हो रही थी, क्योंकि कई बार हम टाइल साफ़ कर लेते हैं वैसे तो जो गैस के पास होती है, बट इधर वाली रह जाती है फ्रिज के आसपास वाली, तो ये वाली भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली क्योंकि फ्रिज को मैंने आज इधर खींच लिया था थोड़ा सा, तो इसके पीछे वाले टाइल्स अच्छे से साफ़ हो गई है। और आज इसको सूखे कपड़े से भी पोंछ लूँगी ताकि जो पानी के धब्बे हैं वो ना डले। और यहाँ पे एक साइड वाली टाइल्स मेरी सारी धुल चुकी है, अभी दूसरी साइड कैमरा लगाते हैं। तो यहाँ पे भी भाई मैंने पहले एक बार इसको गीला कर लिया है, फिर अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया है, क्योंकि सच में टाइल्स गंदी हो चुकी थी। और जो गैस के साइड में जो टाइल्स होती है ना पीछे, ये वाली टाइल्स तो बहुत गंदी होती है जहाँ पर मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सब्जी के छिट्टे मिट्टे लग जाते हैं और वैसे भी चिकनाहट जो जाती है ना तो थोड़ी बहुत यहाँ पर जम जाती है, तो इसको तो अच्छे से साफ़ करना पड़ता है रगड़ रगड़ के। तो यहाँ पर जो गैस चूल्हा था वो भी मैंने साफ़ कर लिया है, और वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम, बच्चे खेल रहे हैं भाई, पतंग उड़ा रहे हैं तो इसलिए शोर आ रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर भाई फटाफट से कर लेंगे क्लीनिंग, वैसे तो मेरी किचन साफ़ ही लगती है, आप लोगों को वीडियो में बोलते हो बहुत साफ दिख रही है, अच्छी दिख रही है, बट फिर भी मुझे पता होता है भाई जब काफ़ी दिन हो जाते हैं फिर थोड़ी मैसी हो जाती है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं धोती ही रहती हूँ इसको, कभी अंदर वाले पोर्शन को साफ़ कर देती हूँ, कभी बाहर वाले को, इस तरह से भाई। तो यहाँ पे भाई मैंने अच्छे से इसको धो लिया था, वाइपर से पानी साफ़ कर दिया, फिर मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया है, उसके बाद मैंने एक सूखा टॉवल ले लिया है, उससे भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूंगी ताकि पानी के धब्बे ना हो। और अभी ये देखिए मैंने पूरे किचन को अच्छे से भाई सूखे टॉवल से भी अच्छे से साफ़ कर दिया है, और जो नीचे पानी आ गया था बहुत ज़्यादा तो वो भी मैंने वाइपर से हटा के और पोछा लगा दिया है यहाँ पे भी, तो हमारी किचन हो गई है नीट एंड क्लीन, ये देखिए।
तो यहाँ पे वही हो चुकी है पूरी किचन अच्छे से क्लीन, बहुत अच्छे से क्लीन किया है मैंने इसको। सर्फ से पहले जोने से रगड़ा, फिर उसको धोया, फिर उसको गीले कपड़े से साफ किया, फिर उसको सूखे कपड़े से साफ किया। और बोर्ड है ये जो प्लग वाले जो होते हैं बिजली के बोर्ड, ये भी मैंने साफ कर दिया है अच्छे से। और किचन एकदम मस्त हो गई है, बिल्कुल शीशे की तरह चमक रही है, लग रहा है ना, बहुत प्यारी किचन लग रही है। वीडियो में तो शायद आपको पहले भी अच्छी लग रही हो, बट धंधी हो चुकी थी टाइल्स बहुत ज्यादा, और कुछ नमक वाला पानी है ना, फिर तो धब्बे से हो जाते हैं इस पर। इसलिए मैंने आज इसको सूखे कपड़े से दोबारा से पोंछा है, ताकि पानी के धब्बे दिखाई ना दे, क्योंकि मेरा दिमाग भैया सही में झुक झुक के देखती रहती हूँ कि कहाँ पर कुछ लगा तो नहीं है, कोई धब्बे तो नहीं है, मतलब इस तरह का है मेरा, तो दिख रहे थे मेरे को कई दिनों से। बट अभी किचन क्लीन हो चुकी है, धूप देखो अच्छी खासी आ रही है। और ये देखो किचन दिखा देती हूँ आपको, देखो इतनी प्यारी लग रही है सच में, ये देखो भैया एक नंबर की किचन लग रही है। हालत भैया अभी ऐसी है कुछ, बट वो विंडो है वो मैंने आज क्लीन किया, इसलिए मैंने जो पर्दे हैं वो इस साइड में रखे हैं, पीछे से मैंने अच्छे से साफ किया उसको, क्योंकि उस विंडो को हम कभी कभी खोलते हैं तो काफ़ी गंदी हो रही है। और बेड शीट वगैरह मैंने अभी बिछाई नहीं है, मैं सोच रही हूँ सारा काम करने के बाद फिर बिछाती हूँ। और अभी मशीन है ना मेरी कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि इतने सारे कपड़े धोए हैं ना मैंने, बहुत ज़्यादा कपड़े धोए हैं, इसलिए मशीन कंटिन्यू अभी भी चल रही है। तब से किचन क्लीन हो चुकी है, अभी मैं जस्ट करूँगी, अभी भाई मैं पोछा लगाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी, सॉरी पहले पोछा लगाते हैं फिर कपड़े हैं उनको सुखा के आते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई अभी फाइनली सारा काम हो चुका है और नहा के आ गई हूँ मैं, अभी बस मैंने एक दो शॉर्ट्स बनाई है और अभी उनको एडिट करूंगी। वीडियो है ये भी मेरे को एडिट करनी है, अपलोड करनी है। और किसकी तैयारी चल रही थी मैं बता ही देती हूँ फाइनली आपको, ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ। तो भाई जो मेरे सास ससुर है उनकी शादी को 50 साल पूरे हो गए हैं, तो हम थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं, अभी ये नहीं फाइनल हुआ है अभी तक, टाइम आ गया है कि यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे घर में या बाहर। कुछ लोग बोल रहे हैं बाहर कर लेते हैं कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में, कई बोल रहे हैं घर में कर लेते हैं, तो अभी से थोड़ा सा पजल है, बट जो भी होगा आज शाम तक मतलब फाइनल हो जाएगा, तो उसी की तैयारी हम भाई कर रहे हैं। तो मेरी जो नंदे हैं वो भी आने वाली है, करते हैं जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है आपको। और उसके बाद आपको मेरे मायके में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी क्या क्या फंक्शन है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बाकी इसी महीने में है वो भी। तो सब चीज़ों की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और ये महीना पूरा बहुत ज़्यादा बिजी और मौज मस्ती में निकलने वाला है। तो यहाँ पे भाई अभी सारा काम हो चुका है, मैं वीडियो का काम कर लेती हूँ, इसलिए मैंने घर की क्लीनिंग की थी कि भाई मेहमान वगैरह आएंगे तो फिर अच्छा लगता है जब कुछ भी सेलिब्रेट करते हो ना। तो मेरा तो यही है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो क्लीनिंग की तरफ फोकस रहता है, तो सारी बेड शीट्स टावल्स जो भी हैं सारे सोफे के कवर वगैरह मैंने सारे धो दिए हैं, और धूप सही निकल रही है, सूख गए हैं, तो अभी मैं उनको सेट कर दूंगी और फिर देखते हैं शाम तक क्या होता है। तो कल ही आ जाएंगी नंदी वगैरह 4 तारीख को, ठीक है आज 3 है, आपको मिलेंगी।